हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी एफ एक्स अकेडमी। जी एफ एक्स अकेडमी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक की मार्केट की मूवमेंट कहाँ हो सकती है। तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं, जहाँ पे हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं लाइव फोरकास्ट और आपको साथ स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हमारे पास कुछ सेटअप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमने लाइव फोरकास्ट में, आप हमारी पुरानी वीडियो देखें तो हमने यहाँ से सेल करवाया था, और ये लास्ट वीक की अपडेट थी, यहाँ से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ड्रॉप हुई। तो अभी जो है हमारी करंट पोजीशन में मार्केट यहाँ तक पुल बैक करेगी, हम यहाँ से कन्फर्मेशन यूज़ करेंगे और मार्केट को सेल करेंगे, और ये हमारा जो है ग्रीन बॉक्स जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा टारगेट होगा। ये ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें जो है आप जब मार्केट इस ग्रे जोन को टच करेगी, तो आपने यहाँ से इसको कन्फर्मेशन करके H1 में सेल करके आप यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक आप इसको सेल कर सकते हैं। ये हमारे पास AUD USD की मार्केट की अपडेट है, और उसके बाद जो है हमारे पास EURUSD। तो EURUSD में हमारे पास जो है यहाँ पे EURUSD, यहाँ से हमने एक सिग्नल दिया था जहाँ पे मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया, फिर हमने यहाँ पे सिग्नल एक पिक किया। तो अब जो है मार्केट इसको हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्विंग है जो है, ये एंड्यूसमेंट थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री दी। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे उसके ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। तो पॉसिबल है कि मार्केट हमारे इस जोन को टच करेगी। उसके बाद जो है अगर हम इसका एरिया देखें, तो हम कहाँ से एरिया से सेल कर सकते हैं, तो इसको हम H4 में देखते हैं। यहाँ पे H4 के अंदर जो है हमारे पास ये लेवल्स है 1.11185, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर हाई रख सकते हैं, या अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में रहेंगे तो हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। तो यूरो को मैं सेलिंग देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो है मेरी प्रेडिक्शन जो है EURUSD सेलिंग है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है GBP USD। GBP USD को मैं सेलिंग देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक भी हमने इसी जो ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी मैंने फिल कर किया हुआ है, तो इस यहाँ से हमने सेल किया था और 60, 70, 80 पिप्स हमने अर्न किए। अभी थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करेगी, हम जब मार्केट इस ग्रे जोन को रिटेस्ट करेगी, हम दोबारा मार्केट में इंटर होंगे, और लॉन्ग टर्म इसको मैं लोग बिरही देख रहा हूँ। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा 1.27500 जो है ये हमारा टारगेट होगा। तो अभी ओवरऑल AUD USD सेलिंग है, GBP USD सेलिंग है, EURUSD सेलिंग है। अभी हम चलते हैं USD CAD की तरफ। ये बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप पैटर्न है वीकली के अंदर। यहाँ पे देखें, ये मार्केट जो है हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, करेक्टर देने के बाद ये हमारे पास जो है डेली के अंदर जो है ये FVG क्रिएट करेगी। अगर आप यहाँ पे देखें, न्यू कैंडल एक क्रिएट होगी, और जब ये कैंडल बनेगी तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा और मार्केट अब यहाँ तक अप जाएगी। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वीकली टाइम फ्रेम का, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पुल बैक का वेट करेंगे, देन हम इसको देखेंगे। हम मंडे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे कि मंडे की क्लोजिंग जो है कैसे क्लोजिंग क्लोज करती है। उसके बाद जो है हमारे पास डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है ये हमारे पास जो है, मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेल साइड लिक्विडिटी लेवल था, तो इसको मैं जो है यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी। अभी मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर हम गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको स्वीप होने का वेट करेंगे। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज ऑफ करेक्टर आया, मार्केट ने हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट की, मार्केट जो है अभी
इसको मैं देख लेता हूँ, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक था। यहाँ से हमने 300 पिप्स प्लस मूव एंट्री कैच की थी फ्राइडे वाले दिन पेड के अंदर, क्योंकि हमारे पास दो तीन एंट्री थी, हमने बार बार न्यूज़ को कैच किया और बार बार मार्केट ड्रॉप हुई। तो उसके बाद जो है हमारे पास सेटअप है यूएस ऑयल का। यूएस ऑयल को हम देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, मार्केट ओपन होगी, ओपन होने के बाद ये एक मतलब लो ब्रेक करेगी वीकली का, फिर हम इसको जो है H4 के अंदर FEG आने का इंतज़ार करेंगे और मार्केट को हम बाय देखेंगे, ठीक है। ये बाकी कन्फर्मेशन सिग्नल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम पर। उसके बाद जो है हमारे पास सेटअप है AUDNZ का, ये बहुत ही प्यारा सेटअप चला है और हमने टेलीग्राम पर चलाया, तो ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ। फिर हमने H4 से एंट्री ली, फिर डेली से ली, अब जो है यहाँ से हमने वीकली पे एंट्री ली। अभी जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है मज़ीद डाउन आएगी और ये हमारे पास जो है एक वाटर ब्लॉक जोन है, ठीक है। हम इसके अंदर जब मार्केट इसके अंदर इंटर होगी या रिटेस्ट करेगी, हम इसको सेल देखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यूरो एनजेड की बात कर लेते हैं, तो यूरो एनजेड जो है हमारे पास ये मार्केट एक कैंडल इनसाइड है, यानी ये मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है, ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है ये हाई ब्रेक करेगी, मार्केट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन करेगी या इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। ये हमारा टोटल जोन जो है हमारा सेलिंग जोन है, हम जो है यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी या इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है ड्रॉप होगी। तो अब हम जो है कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, जैसे ही आपका ये FVG रिटेस्ट हो या मार्केट इस लेवल के अंदर H4 के अंदर फेयर वैल्यू गैप देगी तो आप इसको सेल कर लेंगे। बाकी जो है हमारे पास यूरो कैड, ये हमारे पास बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। इसके अंदर हमारा बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ और यहाँ पे मार्केट ने हमें वीकली, हमने यहाँ पे H4 की भी ट्रेड ओपन की थी और डेली के अंदर भी, अब वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट जो है पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से जो है ड्रॉप होगी, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ड्रॉप होगी हम H4 की FVG का वेट करेंगे और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है हम इसको यहाँ तक सेल करेंगे। ये हमारे पास कुछ पेयर से वॉच लिस्ट है जो आपके साथ शेयर किया, और बाकी जो हैं कन्फर्मेशन सिग्नल जो हैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।